Hi guys, once again welcome to my YouTube channel. आप सभी को फिर से मेरे आज का ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आज आप लोग को मैं दिखाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये फिश मेला हमारा गैंगटोक एमजी मार्ग में 2 दिन के लिए आयोजन की हुई थी, उसी का थोड़ा स्टॉल और थोड़ा पिक्चर्स वगैरह आप लोगों को दिखा रही हूँ आज का ब्लॉग में। तो दोस्तों, जितने भी व्यूअर्स आज मेरे चैनल में नहीं आई हो, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए, आज का ब्लॉग तो ऑलरेडी शुरू हो गई है, तो आप लोग मेरा ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, ये फिश मेला सिक्किम सरकार का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट अंडर फिशरीज विभाग ने ऑर्गेनाइज किया था, और ये मेला चारों डिस्ट्रिक्ट का किसान लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो ये सभी जितना भी आप लोग फिश देख रहे हो, ये फिश सभी ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ का किसान ने पाला है। तो ये मछली एकदम खाने में भी बहुत टेस्टी था, तो मैंने तो बना के भी खा लिया। और विशेष करके ये ट्राउट, रेनबो ट्राउट आप लोगों ने सुना होगा, ये रेनबो ट्राउट सबसे बढ़िया मछली है। तो वही लेकर मैंने घर में बनाई थी, पकाई थी, तो उसी का वीडियो आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा एमजी मार्केट का ये स्टॉल वगैरह का भ्रमण करा रही हूँ, तो आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, ये फिश का नाम असला है, ये टिस्टा नदी में भी मिलता है। तो देखिए, यही मछली खरीद के लेकर आई थी, ये मछली ट्राउट फिश है। ये फिश मेला में 800 रुपये के जी मिल रहा था, ये एक मछली ही हाफ के जी का था, तो ये 400 का लेकर आई मैंने। देखिए ना, इतना ताज़ा दिख रहा है, इतना फ्रेश, देखिए ना, इतना सुंदर दिख रहा है। और इसका बॉडी में ना पूरी तरीके से छिरका पड़ा था, एकदम सुंदर। आप लोगों को मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, देखिए उसका आँख के सामने भी देखिए इतना छिरका। देखिए, कान को देखकर पता चलता है मछली कितना फ्रेश है। वाओ, देखिए ना इसका छिरका, इसका डिज़ाइन। ट्राउट फिश इतना अच्छा लगा, पहले भी एक बार मैंने खाई हूँ। देखिए, इसका जो पंखा में भी बहुत सारा उसका डॉट है, मतलब पोल्का डॉट है, उसका पूरी बॉडी में पोल्का डॉट है। देखिए, ये मैरिनेट करने के लिए काट लिया है आधा, इसको मैं अच्छी तरह से बारबेक्यू करूँगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और हाफ को मैं सूप बना रही हूँ। माछा को मैले कलेजो कहिले पनि देखेको थिएन, हेर्नुस् न, मछली का लिवर पहली बार देखा है। अब एक कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ, और ये जिंजर गार्लिक और चिल्ली का पेस्ट, ये मछली का मैंने मैरिनेट कर दिया है, ये चॉप ऑनियन और चॉप टमेटो, और ये सूप के लिए मछली का पीस। अब चाहिँ मैले प्याज लगाइसकेको छु, प्याजलाई मजाले भुट्नु पर्छ। त्यसमाथि चाहिँ निकै प्याज भुटिसकेपछि चाहिँ फेरि म टमाटर लाउने छु, अनि त्यो टमाटरलाई भुट्ने छु मजाले। हेर्नुहोस्, अब चाहिँ म टमाटरको पेस्ट लाउँदैछु, अथवा चप गरेको टमाटर, चप किया हुआ टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से भून लेना चाहिए, और उसके बाद में पानी डाल के फिर से एक बार पकानी है, क्योंकि अच्छी तरह से मसाला पकनी चाहिए। और एक पैन में मैं थोड़ी सी तेल डाल रही हूँ, इसमें बारबेक्यू करूँगी, और इसमें अब जिंजर गार्लिक और चिल्ली पेस्ट डाल रही हूँ, अच्छी तरह से भूनना पड़ेगा। और देखिए, यहाँ फ्राइंग पैन में भी वो तेल गर्म हो चुकी है, तो इसमें अब मैं बारबेक्यू करूँगी। और देखिए, इधर मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मसाला अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इसमें से मैं माछा को मसाला डाल रही हूँ, और
मस्टर्ड पाउडर। हेर्नुहोस् अब यसलाई मजाले भुटेर सुकाउनु पर्छ। और मैं इसको पलट रही हूँ, देखिए इतना सुंदर बढ़िया दिख रही है। और दोस्तों खाने में भी इतना बढ़िया हुआ था, आप लोग भी एक बार ट्राउट, रेनबो ट्राउट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट हुई थी। देखिए उस ये मसाला अच्छी तरह से मैंने फिर भून लिया है पानी डाल के, और पानी डाल के अब डालूंगी उसके ऊपर से। मैं जब उबल आएगी तो उसके बाद में मैं मछली डाल दूंगी। स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। देखिए उबल चुकी है और इसमें अब मछली का पीस डाल रही हूँ। साथीहरू हेर्नुहोस् न ट्राउट माछाको अन्डा हजुरलाई देखाउँदैछु। देखिए यो ट्राउट फिसका अन्डा देखा रही हूँ। और ये लिवर है, लिवर इतना बड़ा नहीं दिखा था, ये भी मैं सूप में डाल रही हूँ। देखिए तो आप लोगों को आज का मेरा कुकिंग ब्लॉग ट्राउट फिश का रेसिपी कैसी लगी? तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। देखिए ये बारबेक्यू भी बहुत सुंदर दिख रही है। तो कोरोना बढ़ रही है, आप लोग सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।